वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डीएमएलटी एंड डीआरटी स्टूडेंट। तो आज किसके ऊपर डिस्कस करोगे? टुडेज लेक्चर ऑन हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, यानी हीमेटोलॉजी के अंदर हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट था किसका, आरबीसी का, उसका सिंथेसिस कैसे होता है, उसकी जो आरबीसी डेवलपमेंट के अंदर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस अपन देख रहे थे, हीमोग्लोबिन बन रहा था उसके अंदर कौन सी स्टेजेस इन्वॉल्व है, वो सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। आगे का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार अपन पीछे का लेक्चर क्या है रिवाइज कर लेते हैं, जिसके अंदर क्या थी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट थे किसके, हीम के, जो कि आज हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के अंदर अपन काम में लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हीम इज ए मेटेलो पोरफायरिन। हीम क्या है, एक मेटेलो का मतलब है ऐसा कंपाउंड जो कलर प्रोवाइड करवाए, एक पोरफायरिन है। पोरफायरिन क्या है, पोरफायरिन आर साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म बाय द लिंकेज ऑफ पोरफायरोल रिंग फ्रॉम मिथाइलिन ब्री, यानी पोरफायरिन क्या है, एक साइक्लिक यानी चक्रीय कंपाउंड है जो किससे मिलकर बना है, चार पायरोल रिंग से मिलकर बना है, और ये चारों पायरोल रिंग अटैच किससे होती है, मिथाइलिन ब्रिज से एक दूसरे के साथ जुड़ती है। नेक्स्ट क्या है, स्पेशल फीचर्स ऑफ पोरफायरिन, तो पोरफायरिनोजन आर कलरलेस कंपाउंड, वेयर इज पोरफायरिन आर कलरफुल कंपाउंड, यानी पोरफायरिनोजन क्या है, एक कलरलेस कंपाउंड है जिसका कलर नहीं होता, लेकिन पोरफायरिन क्या है, एक कलरफुल कंपाउंड है जो क्या है, कलर प्रोवाइड करवाता है रेड कलर, क्योंकि हीमोग्लोबिन का जो रेड कलर होता है, आरबीसी का जो रेड कलर होता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पोरफायरिन। नेक्स्ट क्या था, द कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड इन द पायरोल रिंग एंड लिंकेज ऑफ मिथाइलिन ब्रिज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन एंड फ्लोरोसेंट स्पेक्ट्रा। फ्लोरोसेंट स्पेक्ट्रा का मतलब है कोई ऐसी चीज जो कलर प्रोवाइड करवाती है, कलर देती है, या कलर है उसमें। तो मतलब क्या है कि द कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड, यानी उसके अंदर जो पायरोल रिंग के अंदर जो डबल बॉन्डिंग है वो एंड लिंकिंग मिथाइलिन ब्रिज, और जो क्या है, दो पायरोल को एक दूसरे के साथ अटैच करने वाला जो मिथाइलिन ब्रिज है वो क्या है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो किसके लिए जिम्मेवार है, कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन के लिए, यानी कौन से कैरेक्टर के लिए जिम्मेवार है, किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो, फ्लोरोसेंट स्पेक्ट्रा को, यानी कलर के लिए वो चीज रिस्पॉन्सिबल है, यानी रेड कलर के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है पायरोल रिंग में, एक तो पायरोल रिंग में डबल बॉन्ड और क्या है, मिथाइलिन ब्रिज पोरफायरिन में। नेक्स्ट, व्हेन पोरफायरिन डिसॉल्व इन स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड और इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी पोरफायरिन को जब आप किसी स्ट्रॉन्ग या अच्छी मिनरल में डिसॉल्व करोगे या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे, आर इल्यूमिनेटेड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट, जो क्या है उसके इल्यूमिनेटेड का मतलब है उसके ऊपर डालना, और उसके ऊपर क्या डालोगे, अल्ट्रावायलेट रेज डालोगे, इमिट का मतलब है बाहर निकलना, उससे क्या निकलेगी बाहर, इमिट ए स्ट्रॉन्ग रेड फ्लोरेसेंस, यानी उससे क्या है, एक रेड कलर बाहर निकलेगा। जब पोरफायरिन को आप किसी स्ट्रॉन्ग मिनरल या एसिड में डालोगे और उस पर क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज डालोगे, तो उसके बाहर दूसरी साइड से क्या निकलेगा, रेड कलर बाहर निकलेगा। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ पोरफायरिन, कि उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इज विद मेटेलियन बॉन्ड टू द नाइट्रोजन एटम ऑफ द पायरोलिन, यानी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या है पोरफायरिन की, कि उसके अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो क्या है, मेटल्स के साथ बॉन्डिंग क्रिएट कर लेता है, यानी नाइट्रोजन एटम और मेटल के साथ क्या है, बॉन्डिंग क्रिएट कर लेता है पायरोल रिंग में। वो बॉन्डिंग कौन से मेटल के साथ कर सकता है, क्या क्या कंपाउंड बनते हैं, सबसे पहले देखिए आयरन प्लस में पोरफायरिन, अगर आयरन पोरफायरिन के साथ जुड़ेगा तो वो क्या बन जाएगा, मेटेलो पोरफायरिन, यानी हीम ऑफ ग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन का हीम पोर्शन बन जाएगा। नेक्स्ट, अगर आयरन की जगह मैग्नीशियम अटैच होता है पोरफायरिन के साथ तो वो क्या बनाता है, क्लोरोफिल, यानी प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर के लिए जो पिगमेंट बनता है वो किससे बनता है, मैग्नीशियम प्लस पोरफायरिन से, क्लोरोफिल। नेक्स्ट है कॉपर प्लस पोरफायरिन, यानी कॉपर अगर हीमोग्लोबिन यानी आयरन की जगह आ जाए तो क्या बन जाता है, हीमोसेनिन, जो कि क्या एक टॉक्सिक कंपोनेंट है ह्यूमन बॉडी के लिए।
नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल रिंग, यानी आपको पता है चार पायरोल रिंग और मिथाइलिन ब्रिज मिलके क्या बनाते हैं, पोरफायरिन बनाते हैं। तो सबसे पहले पायरोल की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जिसमें चार तो कार्बन की कंपाउंड और एक किसका है, नाइट्रोजन का कंपाउंड है, और दो जो कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है वो कैसी है, डबल बॉन्डिंग, और साइड में क्या है, मिथाइलिन का एक कंपोनेंट दिखाया गया है, यानी डबल बॉन्ड कार्बन और फिर क्या है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का कंपोनेंट और फिर सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ पोरफायरिन, यानी पोरफायरिन की स्ट्रक्चर आप देखते हो तो कैसा दिखता है, तो पहली स्ट्रक्चर देखिए, इसमें बीच में आयरन का मॉलिक्यूल है, चारों तरफ पायरोल रिंग है, और ये चारों पायरोल रिंग किससे जुड़ी हुई है, मिथाइलिन ब्रिज से जुड़ी हुई है। और दूसरी स्ट्रक्चर में देखिए ए में, जिसके अंदर क्या है आयरन कोर, यानी जो बीच में लोहे जैसी स्ट्रक्चर दिखाई गई है वो क्या है, हीम है, यानी पोरफायरिन प्लस आयरन, और जो साइड में लिखा हुआ है अल्फा बीटा और अल्फा बीटा, यानी क्या है उसमें दो पेयर प्रेजेंट है, किसके, ग्लोबुलिन प्रोटीन के, अल्फा और बीटा के। नेक्स्ट अगर स्ट्रक्चर देखिए तो पहली तो स्ट्रक्चर है हीम की, जिसके अंदर पायरोल पोरफायरिन के अंदर कौन सा कंपोनेंट, कौन सा मेटल प्रेजेंट है, आयरन, और दूसरी स्ट्रक्चर किसकी है, क्लोरोफिल की, जिसके अंदर मैग्नीशियम की जगह आयरन की जगह सॉरी कौन सा कंपोनेंट आ गया, मैग्नीशियम आ गया, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। हीम जो है वो किसके लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए या एनिमल्स के अंदर, और क्लोरोफिल किसके लिए है, प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट है पोरफायरिन, द पोरफायरिन फाउंड इन नेचर आर कंपाउंड इन विच वेरियस साइड चेन आर सब्स्टिट्यूटेड, यानी पोरफायरिन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर और छोटी छोटी चीनें चेन सिचुएटेड रहती है श्रृंखलाएं, तो वो चेन कौन सी हैं, एक तो मिथाइल है यानी एम, प्रोपियोनेट यानी पी, विनाइल यानी वी, और एसीटेट यानी ए, ये चारों चेनें पोरफायरिन में सब सिचुएटेड रहती हैं, मिथाइल, प्रोपियोनेट, विनाइल और एसीटेट। दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट पोरफायरिन, यानी पोरफायरिन की तीन इंपॉर्टेंट घटक कौन से हैं, सबसे पहला है यूरोपोरफायरिन, यूरोपोरफायरिन किससे मिलकर बना है, पायरोल रिंग, ठीक है, और क्या है, एसीटेट और प्रोपियोनेट उसके ऊपर अटैच रहते हैं। दूसरा है कोप्रोपोरफायरिन, जिसके अंदर पायरोल रिंग है यानी पोरफायरिन रिंग है, और रिंग के ऊपर क्या है, मिथाइलिन और मिथाइल और प्रोपियोनेट अटैच रहते हैं। तीसरा क्या है, प्रोटोपोरफायरिन, जिसके अंदर क्या है, मिथाइल, विनाइल एंड प्रोपियोनेट तीनों ही कंपाउंड उसमें अटैच रहते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपोरफायरिन एंड कोप्रोपोरफायरिन, यही कंपोनेंट हीम सिंथेसिस में काम में आएंगे। तो सबसे पहले यूरोपोरफायरिन, जिसके अंदर आपने देखा चार पायरोल है, बीच में क्या है, ये जुड़ी हुई किससे, मिथाइलिन ब्रिज से, और इनके कोनों पे क्या है, चेन सब्स्टिट्यूटेड है। तो पहली पायरोल रिंग पे क्या प्रेजेंट है दोनों कोनों पे, एसीटेट और प्रोपियोनेट, इसके अंदर यूरोपोरफायरिनोजन फर्स्ट के अंदर, दूसरी में भी एसीटेट और प्रोपियोनेट, तीसरी चेन में भी, तीसरी पायरोल में भी एसीटेट और प्रोपियोनेट, और चौथी में भी एसीटेट और प्रोपियोनेट, यानी ये यूरोपोरफायरिनोजन फर्स्ट में सीधे सिक्वेंस से जमी हुई है एसीटेट और प्रोपियोनेट। दूसरी है कोप्रोपोरफायरिनोजन फर्स्ट, जिसके अंदर कौन से कंपाउंड है, मिथाइल और प्रोपियोनेट, इसमें भी आप देख सकते हो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ में सीक्वेंस एक जैसा है मिथाइल और प्रोपियोनेट का, सबसे पहले मिथाइल है फिर प्रोपियोनेट है फिर मिथाइल है फिर प्रोपियोनेट। दूसरा देखिए क्या है, यूरोपोरफायरिनोजन थर्ड, जिसमें चार तो पायरोल है मिथाइलिन ब्रिज से जुड़ी हुई है, इसमें सीक्वेंस क्या हो गया, चेंज हो गया, पहली दूसरी तीसरी जो पायरोल है उनके ऊपर तो सीक्वेंस सेम है, लेकिन तीसरी और चौथी के बीच में जो पायरोल है वहां पे सीक्वेंस क्या हो गया, चेंज हो गया, पहली दूसरी में क्या है एसीटेट और प्रोपियोनेट सीक्वेंस है, तीसरी में क्या है एसीटेट और प्रोपियोनेट है, लेकिन चौथी में क्या आ गया, पहले प्रोपियोनेट आ गया, बाद में क्या है एसीटेट, ये क्या है यूरोपोरफायरिनोजन थर्ड की स्ट्रक्चर है। फिर क्या है कोप्रोपोरफायरिनोजन थर्ड की स्ट्रक्चर, जिसमें आप देखोगे क्या है कि मिथाइल और प्रोपियोनेट, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो सीक्वेंस से है दोनों चेन सिचुएटेड, लेकिन फोर्थ में प्रोपियोनेट पहले आ गया, मिथाइल बाद में आया है।
नेक्स्ट क्या है, प्रोटोपोर फाइलिन की स्ट्रक्चर। तो आप साइड वाली स्ट्रक्चर देखिए, जिसमें चार पायरोल रिंग्स हैं, वो अटैच भी दिखाई गई है मिथाइलिन ब्रिज से। ठीक है, ऊपर की तरफ फर्स्ट के अंदर तो क्या है, मिथाइलिन और विनाइल, सेकंड में भी मिथाइलिन और विनाइल, लेकिन थर्ड में क्या गया, मिथाइलिन तो है लेकिन विनाइल की जगह कौन आ गया, प्रोप्योनेट आ गया। और फोर्थ में भी प्रोप्योनेट, सिक्वेंस चेंज हो गया, प्रोप्योनेट पहले आ गया, मिथाइलिन बाद में आ गया। यूरोपोरफाइरिनोजन, कोप्रोपोरफाइरिनोजन और प्रोटोपोरफाइरिनोजन, तीनों के तीनों जो पोरफाइरिन है वो किसके अंदर काम में आएगी, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के अंदर आज के लेक्चर में काम में आएंगी। सबसे पहले देखिए आज का लेक्चर किस पे, इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ हीम प्लस में प्रोटीन, यानी हीमोग्लोबिन के साथ प्रोटीन जब अटैच होती है तो वो कौन से कंपाउंड बना सकती है। तो पहला है हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। दूसरा क्या है, मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन क्या करता है, स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है। तीसरा क्या है, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम भी किसका है, हीम प्लस प्रोटीन का पार्ट है, जिसकी इन्वॉल्वमेंट किसमें है, इन्वॉल्वमेंट ऑन ईटीसी, ईटीसी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो किसमें काम में आती है, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन में काम में आती है। तो तीसरा कंपोनेंट किसमें काम में आता है, ईटीसी में, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। चौथा है कैटेलाइज एंजाइम, कैटेलाइज यानी तोड़ने वाले एंजाइम किसी को, तो डिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोजन प्रोक्साइड, यानी अगर कैटेलाइज एंजाइम के रूप में काम में लिया जाए तो वो क्या है, हाइड्रोजन प्रोक्साइड को तोड़ सकता है, डिग्रीडेट कर सकता है उसको। नेक्स्ट है ट्रिप्टोफेन पायरोल, और चौथा कंपाउंड क्या है, ट्रिप्टोफेन पायरोल, जो क्या करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ट्रिप्टोफेन, यानी किसका ऑक्सीडेशन करता है, ट्रिप्टोफेन का। नेक्स्ट लेक्चर क्या है, नेक्स्ट मतलब बायोसिंथेसिस ऑफ हीम, यानी हीमोग्लोबिन की बायोसिंथेसिस कैसी होती है। तो इसमें देखिए, सिंथेसिस इन ऑलमोस्ट सेल टिश्यू इन द बॉडी एक्सेप्ट इन मैच्योर एरिथ्रोसाइट, यानी हीमोग्लोबिन सिंथेसिस सभी सेल्स के अंदर होती है, किसके अलावा, मैच्योर एरिथ्रोसाइट के अलावा, यानी बाकी की जितनी भी फॉर्म है एरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन की, उनके अंदर क्या है कि वो क्या है, उनके अंदर क्या है कि हीमोग्लोबिन सिंथेसिस चलता रहता है। नेक्स्ट क्या है, 85% इन एरिथ्रोइड प्रोसीजर सेल इन बोन मैरो एंड 15% इन हिपेटोसाइट सेल इन द लिवर, यानी हीमोग्लोबिन सिंथेसिस का जो स्टेप है वो क्या है, किसमें चलता है, 85% तो किसमें चलता है, एरिथ्रोइड प्रोसीजर में, यानी आरबीसी फॉर्मेशन की जो सेल है उसके अंदर चलता है बोन मैरो, एंड 15% इन हिपेटोसाइट सेल इन द लिवर, और बची हुई जो 15% है वो किसके अंदर चलता है, लीवर की हिपेटोसाइट सेल। और क्या है, स्मॉल ऑर्गन, यानी छोटे ऑर्गन कौन से इन्वॉल्वमेंट है। सबसे पहले देखिए, पार्शियली इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, यानी और कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, यानी एरिथ्रोसाइट की जो मैच्योर सेल होती है, प्री मैच्योर सेल, उनके अंदर आपने देखा होगा न्यूक्लियस वगैरह या फिर अदर सेल जो सेलुलर ऑर्गन थे शुरू में वो प्रेजेंट थे, वो ऑर्गन कौन से इन्वॉल्व है बायोसिंथेसिस ऑफ हीम में, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल, उसके लिए शुरू में हीमोग्लोबिन सिंथेसिस शुरू करने के लिए कौन से कंपाउंड चाहिए। तो सबसे पहले चाहिए सक्सिनाइल को एंजाइम ए प्लस में ग्लाइसिन, वो किसमें प्रेजेंट रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोनों सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं। पहली लाइन के अंदर तो ये लिखा गया है कि हीमोग्लोबिन की मतलब एरिथ्रोसाइट, मैच्योर एरिथ्रोसाइट के अलावा सभी सेल्स में हीमोग्लोबिन सिंथेसिस चलता है 85। दूसरी लाइन में लिखा गया 85% जो है वो एरिथ्रोइड प्रोसीजर में हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होता है बोन मैरो में, और बचा हुआ 15% किसमें होता है, लीवर में। स्मॉल ऑर्गन कौन से इन्वॉल्वमेंट है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। और स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, सक्सिनाइल को एंजाइम ए प्लस में ग्लाइसिन। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ हीम सिंथेसिस,
उसके अंदर देखिए कि स्टेप्स कौन से कौन से आते हैं। तो स्टेप्स किस में डिवाइड किए गए हैं, कैन बी डिवाइडेड इन फोर स्टेप्स, यानी हीमोग्लोबिन सिंथेसिस को आप क्या स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, सिंथेसिस ऑफ पीबीजी यानी मोनोपायरोल। सबसे पहले क्या है, एक सिंगल पायरोल रिंग बनेगी जिसको क्या बोलते हैं आप, पोर्फोबिलिनोजन। सबसे पहले ऑर्फोबिलिनोजन का सिंथेसिस होगा यानी मोनोपायरोल बनेगी, सिंगल पायरोल बनेगी ये। नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ यूरोपोरफायरिनोजन। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, ऑर्फोबिलिनोजन से किस में कन्वर्ट हो गया अपन, यूरोपोरफायरिनोजन में, जो क्या है एक टेट्रा पायरोल है यानी जिसके अंदर चारों पायरोल की रिंग्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ यूरोपोरफायरिनोजन टू प्रोटोपोरफायरिनोजन, यानी चौथे तीसरे स्टेप में क्या होगा कि यूरोपोरफायरिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटोपोरफायरिनोजन में। और चौथे स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ हीम कॉम्बिनेशन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन, यानी चौथे स्टेप में आयरन का मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा पोरफायरिन रिंग्स के साथ यानी पायरोल रिंग्स के साथ। नेक्स्ट क्या है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस की स्टेप। उसके अंदर देखिए आप, सबसे पहले क्या है, जो शुरू के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, आपने आपको बताया था कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्लस में ग्लाइसिन। ये जो रिएक्शन होती है वो किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्लस में ग्लाइसिन किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड में, जिसके लिए एंजाइम कौन सा चाहिए आपको, अमाइनो लिवोलिनिक एसिड सिंथेज। ठीक है, फिर क्या है, यहाँ पे ये जो डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड है वो किस में चला जाता है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जाने के बाद ये किस दो मॉलिक्यूल इकट्ठे करता है, किसके, डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड के। फिर ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, पोर्फोबिलिनोजन में, यानी डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड डिहाइड्रेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में अमाइनो लिवोलिनिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, पीबीजी में यानी पोर्फोबिलिनोजन में, मोनोपायरोल। यहां तक का जो स्टेप है वो कितना है, ओनली फर्स्ट स्टेप हीम सिंथेसिस की कंप्लीट होती है। फिर पोर्फोबिलिनोजन किस में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोक्सो मिथाइल वायलिन में, यानी मिथाइलिन ब्रिज बनने शुरू हो जाते हैं, यानी हाइड्रोक्सी मिथाइलिन जुड़ जाती है किसके साथ, पायरोल रिंग के साथ। एंजाइम कौन सा काम में आता है, पोर्फोबिलिनोजन डीएमआईनेज। फिर हाइड्रोक्सी मिथाइल वायलिन किस में कन्वर्ट होता है, यूरोपोरफायरिनोजन थर्ड में, जिसके लिए एंजाइम कौन सा काम में आता है, यूरोपोरफायरिनोजन थर्ड कोसिंथेज। फिर यूरोपोरफायरिनोजन थर्ड तक कौन सी स्टेप कंप्लीट हो गई आपकी, यूरोपोरफायरिनोजन थर्ड जब कंप्लीट हो जाता है तो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस की दूसरी स्टेप क्या होगी आपकी, कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है, यूरोपोरफायरिनोजन थर्ड किस में कन्वर्ट होता है, कोप्रोपोरफायरिनोजन थर्ड में। यहाँ पे ये रिएक्शन किस में ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है वापिस, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऊपर की रिएक्शन साइटोप्लाज्म में, यहाँ की किस में, माइटोकॉन्ड्रिया में। और एंजाइम कौन सा काम में आता है, यूरोपोरफायरिनोजन डीकार्बोक्सिलेज, यानी यूरोपोरफायरिनोजन थर्ड कोप्रोपोरफायरिनोजन थर्ड में डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है। फिर क्या है, कोप्रोपोरफायरिनोजन थर्ड किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोटोपोरफायरिनोजन एट में। यहाँ पे ये मिस्टेक है चार्ट के अंदर, तो ये यहाँ पे किसमें कन्वर्ट होता है, कोप्रोपोरफायरिनोजन थर्ड किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोटोपोरफायरिनोजन एट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है, कोप्रोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज। ठीक है, फिर क्या है, प्रोटोपोरफायरिनोजन एट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटोपोरफायरिनोजन नाइन के अंदर, जिसके अंदर एंजाइम कौन सा काम में आता है, प्रोटोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज। ऊपर तो एंजाइम काम में आता है कोप्रोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज, यहाँ पे क्या काम में आ रहा है, प्रोटोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज, जिसमें प्रोटोपोरफायरिनोजन एट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटोपोरफायरिन नाइन में। एंजाइम फिर क्या है, प्रोटोपोरफायरिन की रिंग कन्वर्ट होगी, यानी चारों पायरोल रिंग मिथाइलिन ब्रिज से जुड़ गई एक दूसरे के साथ, और आयरन का मॉलिक्यूल जुड़ता है। फिर क्या है, आयरन का मॉलिक्यूल किससे जुड़ता है, प्रोटोपोरफायरिन नाइन से, जिसके लिए एंजाइम कौन सा काम में आता है, फिरोसिलेटेज, जिससे आयरन का मॉलिक्यूल जुड़ने के बाद कौन सा पोर्शन बन जाता है, हीम। आयरन का जो 5% पोर्शन था हीम, जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो फॉर्म हो जाता है। और हीम के साथ जब ग्लोबिन ग्लोबिन
यानी प्रोटीन की जो चेनें जुड़ जाती हैं तब क्या बन जाता है, हीम प्लस में ग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन। तो शुरू से देखिए, सबसे पहले सक्सिनाइल को एंजाइम ए प्लस में ग्लाइसिन किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड में, जिसके लिए एंजाइम काम में आया डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड सिंथेज। फिर डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, ऑर्फोबिलिनोजन में, जिसके लिए एंजाइम काम में आया डिहाइड्रेटेज। ऑर्फोबिलिनोजन फिर किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोक्सी मिथाइल वायलिन में, जिसके लिए एंजाइम काम में आया ऑर्फोबिलिनोजन डीएमाइनेज। फिर हाइड्रोक्सी मिथाइल वायलिन किस में कन्वर्ट हुआ, यूरोपोरफाइरिनोजन थर्ड में, जिसके लिए एंजाइम काम में आए यूरोपोरफाइरिनोजन थर्ड कोसिंथेज। फिर यूरोपोरफाइरिनोजन थर्ड किस में कन्वर्ट होता है, कोप्रोपोरफाइरिनोजन थर्ड में, जिसके लिए एंजाइम कौन सा काम में आता है, यूरोपोरफाइरिनोजन डीकार्बोक्सिलेज। फिर कोप्रोपोरफाइरिनोजन थर्ड किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटोपोरफाइरिनोजन एट के अंदर, जिसके लिए एंजाइम कौन सा काम में आता है, कोप्रोपोरफाइरिनोजन ऑक्सीडेज। फिर प्रोटोपोरफाइरिनोजन एट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटोपोरफाइरिनोजन नाइन में, जिसके लिए एंजाइम काम में आता है प्रोटोपोरफाइरिनोजन ऑक्सीडेज। और फिर ये नाइन किसके साथ, नाइन प्रोटोपोरफाइरिनोजन जो नाइन है उसके साथ क्या है, आयरन का मॉलिक्यूल अटैच होके फिरोसिलिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बना लेता है, हीम बना लेता है, और हीम प्लस में ग्लोबिन मिलके क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन, जो कि क्या है, अनमेच्योर एरिथ्रोसाइट के अंदर चलता रहता है। नेक्स्ट वही प्रोसीजर दिखाए गए उसके स्टेप, ग्लाइसिन प्लस में सक्सिनाइल कोएंजाइम है जो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, डेल्टा एमाइनो लिवोलिनिक एसिड में, जिसके लिए सिंथेटेज एंजाइम काम में आ रहा है। फिर डेल्टा एमाइनो लिवोलिनिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पोर्फोबिलिनोजन में, जिसके लिए डिहाइड्रेटेज एंजाइम काम में आ रहा है। फिर पोर्फोबिलिनोजन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोक्सी मिथाइल में, जहां पे पीबीजी यानी डीएमाइनेज एंजाइम काम में आ रहा है। फिर हाइड्रोक्सी मिथाइल वायलिन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, यूरोपोरफाइरिनोजन में, जिसके लिए एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है, यूरोपोरफाइरिनोजन कोसिंथेज। फिर यूरोपोरफाइरिनोजन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कोप्रोपोरफाइरिनोजन में, जिसके लिए डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम काम में आ रहा है। और कोप्रोपोरफाइरिनोजन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटोपोरफाइरिनोजन में, जिसके लिए ऑक्सीडेज एंजाइम काम में आ रहा है, कोप्रोपोरफाइरिनोजन ऑक्सीडेज। और पोरफाइरिनोजन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पोरफाइरिन में, जिसके लिए एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है, प्रोटोपोरफाइरिनोजन ऑक्सीडेज। और पोरफाइरिन के साथ जब आयरन का मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है फिरोसिलिटेज के एंजाइम में, एंजाइम की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता है, हीम। और हीम के साथ में जब टू पेयर्स ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन जब अटैच हो जाती है, यानी दो अल्फा और बीटा चेन अटैच हो जाती है, तब क्या बनता है आपका, हीमोग्लोबिन, जो कि क्या है, एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट है किसका, आरबीसी का। नेक्स्ट में क्या दिखाया गया, स्मॉल ऑर्गन के अंदर कौन से ऑर्गन के अंदर कौन सी स्टेप चलती है। पहली जो स्ट्रक्चर है वो माइटोकॉन्ड्रिया की है, दूसरी जो साइड में खाली पड़ा है यानी सीधा डायरेक्ट चार्ज के ऊपर है, वो क्या है, साइटोप्लाज्म सेल के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सक्सिनाइल कोएंजाइम प्लस में ग्लाइसिन क्या बनाते हैं, डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड बनाते हैं, अमाइनो लिवोलिनिक एसिड सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जिससे क्या बनता है, डेल्टा एमाइनो लिवोलिनिक एसिड फिर किस में आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया से किस में ट्रांसपोर्ट हो गया, साइटोप्लाज्म में। फिर दो मॉलिक्यूल इकट्ठे होते हैं किसके, डेल्टा एमाइनो लिवोलिनिक एसिड के, जो क्या बनाते हैं, पोर्फोबिलिनोजन बनाते हैं, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी डेल्टा एमाइनो लिवोलिनिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, पोर्फोबिलिनोजन के अंदर, जिसके लिए एंजाइम क्या है, एल्टा ALA यानी एमाइनो लिवोलिनिक डिहाइड्रेटेड। फिर पोर्फोबिलिनोजन के कितने मॉलिक्यूल इकट्ठे होते हैं, चार, इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर, जो क्या बनाते हैं आगे, हाइड्रोक्सी मिथाइल वायलिन, जिसके लिए एंजाइम काम में आता है सिंथेज डीएमाइनेज, ठीक है। फिर हाइड्रोक्सी मिथाइल वायलिन किसमें कन्वर्ट होता है, यूरोपोरफाइरिनोजन थर्ड में, जिसके लिए एंजाइम क्या काम में आता है, यूरोपोरफाइरिनोजन थर्ड को सिंथेज। और यूरोपोरफाइरिनोजन थर्ड किस में कन्वर्ट होता है, कोप्रोपोरफाइरिनोजन थर्ड में, जिसके लिए एंजाइम क्या काम में आता है, यूरोपोरफाइरिनोजन डीकार्बोक्सिलेज। यहां तक का जो
प्रोसीजर था, यानी अमाइनो लिवोलिनिक एसिड से लेके कोर्पोरोपोरफाइरिनोजन थर्ड तक हीमोग्लोबिन के अंदर जब बनता है वो स्टेप किसमें चलता है? सिर्फ साइटोप्लाज्म में। फिर कोप्रोपोरफाइरिनोजन थर्ड किसमें चला जाता है? वापिस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसके अंदर कौन सा एंजाइम काम में आता है? कोप्रोपोरफाइरिनोजन थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोटोपोरफाइरिनोजन थर्ड के अंदर, जिसके अंदर कौन सा एंजाइम काम में आता है? कोप्रोपोरफाइरिनोजन ऑक्सीडेज। और फिर कोप्रोपोरफाइरिनोजन किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोटोपोरफाइरिन एट के अंदर, जिसके लिए एंजाइम काम में आता है कोप्रोपोरफाइरिनोन ऑक्सीडेज। और फिर एट किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटोपोरफाइरिन नाइन में, जिसके लिए प्रोटोपोरफाइरिन ऑक्सीडेज एंजाइम काम में आता है। फिर प्रोटोपोरफाइरिन के साथ आयरन का मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है, जिसके लिए एंजाइम कौन सा काम में आता है? फिरोसिलिटेज। और कोप्रोपोरफाइरिनोजन थर्ड से लेके हीम सिंथेसिस की जो प्रोसीजर है वो वापिस किस में चलती है? कौन से ऑर्गन में चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के। शुरू का जो स्टेप था, शुरू से देखिए, शुरू का जो स्टेप था वो तो माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर बाकी जो रिएक्शन है यानी अमाइनो लिवोलिनिक एसिड से कोप्रोपोरफाइरिनोजन थर्ड तक की जो रिएक्शन है वो साइटोप्लाज्म में, और कोप्रोपोरफाइरिनोजन थर्ड से जो हीम सिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो वापिस किस में चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और हीम के साथ फिर क्या है? प्रोटीन्स अटैच हो जाती हैं, तो क्या बन जाता है? हीमोग्लोबिन। ये थी स्टेप्स ऑफ हीम सिंथेसिस। नेक्स्ट लेक्चर किसके ऊपर होगा? कि हीम सिंथेसिस की जो थ्योरी है यानी इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए, कितने एटीपी यूज हुई, कौन से एंजाइम काम में आए, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।